मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाखों हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के लाखों प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को जल्द उनका पक्का मकान मिल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि का वितरण किया, उनसे संवाद किया। इस दौरान भोपाल में भी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हितग्राहियों के इस कार्यक्रम में शामिल नजर आए। तो शहरों में 8,37,000 आवास स्वीकृत किए गए। पीएम आवास योजना के तहत ये बड़ी सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को ये सौगात दी। पीएम आवास योजना के तहत ये लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश। 1,29,292 हितग्राही इस योजना के जरिए लाभान्वित होंगे। 50,253 आवासों का भूमि पूजन भी किया गया। सीएम ने हितग्राहियों से, लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया, बातचीत उनसे की। जिनके पास जमीन का टुकड़ा है, पट्टा नहीं है, उनको हम पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। ये जायज बात है कि नहीं जायज, बताओ आप? अरे बोल ही नहीं रहे यार, ये जायज है। और मान लो किसी बड़े शहर में दिक्कत है तो मल्टी बना के, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसको फ्लैट का मालिक बनाएंगे। आज शहरी कार्यक्रम, इसलिए शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन गांव को भी नहीं छोड़ेंगे। और खंडवा में भी चिन्हित कर लें, खंडवा शहर, खंडवा जिले में। और मैं सब जगह कह रहा हूं जहां लोग मुझे सुन रहे हैं, वाला व्यक्ति है, उन्होंने संकल्प लिया कि इस भारत के अंदर अब कोई गरीब झोपड़ी में ऐसा नहीं होगा जिसका अपना स्वयं का मकान नहीं होगा। गरीब को भी अपने मकान में रहने का अधिकार है। और हमें गर्व है आज पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भूमिका निभाई है। मैं अभी कमिश्नर साहब से बात कर रहा था कि जिस प्रकार से पहले सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास का जो निर्माण होता था, कोरोना के संकट में इतनी कठिन परिस्थिति में भी माननीय हमारे साथ ब्यूरो चीफ नीरज श्रीवास्तव भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, हितग्राहियों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात मानी जाए? जी बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ पूरे मध्य प्रदेश में किया गया, जिसमें पूरे 52 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, उन 52 जिलों में जिस तरह से आज हितग्राहियों को सरकार के द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई। हालांकि इस जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कार्यक्रम थे उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले से की, उसका कारण ये माना जा रहा है कि वो खंडवा में जो है उपचुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले से इसकी जो है शुभारंभ की है। इसके चलते उनके साथ जो मंत्री हैं उषा ठाकुर उनके साथ में थी, साथ में वहां जो मंत्री, वन मंत्री विजय शाह उनके साथ वहां खंडवा जिले में मौजूद रहे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल तरीके से बाकी सारे जिलों में लोग वहां हितग्राही हैं उनसे जुड़े, उनसे संवाद किया और साथ में उनको जिस तरह से आज आवास की सौगात दी है, साथ में वन क्लिक पर उनके द्वारा जो राशि है वो हस्तांतरित की गई। जिन लोगों के पास आवास भूखंड है या फिर आवास है, जिनको आवास बनाने हैं, उनको जो राशि दी जानी है वो सिंगल क्लिक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनको हस्तांतरित की गई। साथ में जो बने हुए जो मकान है, लगभग 50,000 आवासों का जो है भूमि पूजन यहाँ पर किया गया। वही यदि भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। तो आज कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश भर में इसके कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी कार्यक्रमों में वर्चुअल रूप से जुड़े रहे और जनता से संवाद करते रहे। जी कोमल, ऐसे में इसके पीछे के पूरे प्रोसीजर में क्या लोगों को सहूलियत हुई? कोई दिक्कत परेशानी तो महसूस नहीं हुई? क्योंकि उन्हें अब जो नया आवास दिया जाएगा, एक लंबा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस होता है, क्या उन्हें दफ्तरों के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे? तो
प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात की जाए, जैसे यदि कोई हितग्राही है उसको अपने लिए मकान बनाना है, या तो उसके पास खुद की जमीन है या फिर वो किसी बनी बनाई प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक राशि उसको दी जाती है। और वहीं यदि जो अभी जिस तरह से सरकार ने जो क्वार्टर्स बनाए हैं, जिस तरह से फ्लैट्स बनाए हैं, उनका आवंटन सरकार के द्वारा किया गया है, तो हालांकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, जिनके आवेदन जो सिलेक्ट हुए थे उन लोगों को ये इनका हस्तांतरण किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया विधानसभा के दौरे पर है। उन्होंने निज निवास पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, उसका समाधान किया। गृह मंत्री ने विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति पीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर माँ बगुलामुखी के दर्शन किए। माँ भारतकालीन भगवान वन खंडेश्वर का जलाभिषेक किया। शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करने के बाद वो सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नवीन सभा कक्ष का लोकार्पण किया, बाढ़ के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। गृह मंत्री ने इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि के चेक भी प्रदान किए। स्थानीय वृंदावन धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास की द्वितीय किश्त का आवंटन भी किया। गृहमंत्री ने वडोनी पहुंचकर फिर मुख्यमंत्री विवाह सहायता राशि का भी वितरण किया। गृहमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर अधिकारियों को सम्मानित किया। दतिया के विकास की संरचना समझाते हुए स्वच्छ और स्वस्थ दतिया का गुरु मंत्र दिया। बुनियादी जरूरत तो बिजली पानी सड़क की होती है, ये तीनों पर्याप्त है हमारे पास, बिजली है पानी है। फिर आ जाती है शिक्षा और स्वास्थ्य की। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में ही हम प्रेरणा देंगे। आने वाले समय में हम 2 एक्सीलेंस स्कूल यहाँ पर और अच्छे खोलेंगे। हमारी प्राथमिकता एक दतिया में और एक वसई में हम खोलना चाहेंगे। तो एक्सीलेंस सीएम एक्सीलेंस जो आ रहे हैं, एक विधानसभा में एक दिया है, हम कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे शिक्षा मंत्री से कि 2 दे दें, तो वसई का भी उपकार है। लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य दोनों में हम अग्रणी होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई घोषणा की है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महाविद्यालयों में अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए 177 नए वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें 90% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के कमला राज्य कन्या महाविद्यालय के विधि विभाग के तहत नवनिर्मित विधि भवन के लोकार्पण समारोह के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, महिलाओं की शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है, उसी के मुताबिक कॉलेजों को भी उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कमला राजा कन्या महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के अलावा और भी वोकेशनल नए पाठ्यक्रम शुरू करने, उनकी तुरंत स्वीकृति देने का भी महाविद्यालय प्रबंधन को भरोसा दिलाया है, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। सेल्फ फाइनेंस से इनने अपना एक अच्छा भवन बनाया है, और ख़ास करके लड़कियों के कॉलेज में लाभ के लिए अपना एक भवन बनाना ये बड़ी बात है। वैसे हमने कोशिश की है कि ला चुकी BCI ये कह रही है कि अब अपना स्वयं का भी भवन हो जाए, और वो एक तरह से सब कुछ उनके हाथ में रहे, तो आगे जाकर के हम इस महाविद्यालय में भी वही देखते हैं कि ला का अपना बच्चियों का कॉलेज हो जाए। और ख़ास करके नए सेल्फ फाइनेंस के कोर्स की मैंने बात कही है, नेक का दौरा होने वाला है, ऐसे में नेक के दौरे में ये कॉलेज के लिए A++ आई। मैं तो ये कामना करता हूँ कि हम पूरे प्रदेश में जो हमारे एक ही कॉलेज है डिग्री के एक ग्रेड के जो कॉलेज हैं उनको और आगे उन्नयन करने के लिए लगातार प्रयास करवा रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, तस्वीरें आपके सामने। कार्यक्रम के दौरान BJP पदाधिकारियों के अलावा ना तो कार्यकर्ता मास्क लगाए नजर आए, ना ही कोई विधायक। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं। शहर में दौरे के दौरान से लेकर आम सभा तक मंत्री जी के कार्यक्रम में जुटी ये भीड़ कोरोना संक्रमण को एक तरीके से खुला आमंत्रण देती हुई। इसी तरह से अगर राजनीतिक जमावड़ों का यही हाल रहा तो लगता है कि तीसरी लहर की वाहक एक बार फिर कहीं इन्हीं राजनीतिक नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा और उसमें जुटने वाली भीड़ ना बन जाए, जिनके कंधों पर नियम कानून बनाने उसका पालन कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ तो स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। अगर उन्हीं के कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पर इसका खुला उल्लंघन होगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ेंगी, तो फिर भला आम जनता से क्या उम्मीदें की जा सकती है।
ये सदन की परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार होता है तो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से उनका परिचय कराया जाता है देश की जनता के सामने। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में राज्यसभा में परिचय देने के लिए खड़े हुए तो शोर शराबा करके वो कार्य नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत ली गई 3 भर्ती परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। जिन भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किया गया उनमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग भर्ती परीक्षा शामिल है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया पेपर लीक होने की वजह से इन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। बता दें ये भर्ती परीक्षाएं तो हो चुकी थी लेकिन अब तक इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कमलनाथ ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए जिनमें लिखा, सरकार मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। इन परीक्षाओं को लेकर शुरुआत के दिन से ही निरंतर फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आ रही थी। खुद अभ्यर्थी इसको लेकर निरंतर शिकायतें कर रहे थे। ये प्रदेश का व्यापम पार्ट 2 है और वो सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़े के मामले को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।